नमस्कार हिंदुस्तान, बलराम किसान फिर हाजिर है बी किसान ग्रुप के साथ में। और अभी की मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ 11 नंबर। हेलो, 11 नंबर पोटेशियम फुलवेट, बी के पोटेशियम फुलवेट। छोटी सी प्रक्रिया बतलाता हूँ, सभी जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पर रगड़िए, अब खुशबू लीजिए। ये जो खुशबू है ये पोटेशियम फुलवेट की खुशबू है। ह्यूमन बॉडी से लेकर के प्लांट पैथोलॉजी तक, प्लांट की बॉडी तक, सभी को पोटेशियम फुलवेट की आवश्यकता है। पोटेशियम फुलवेट जो भी हमारे न्यूट्रिशंस हैं उनको सिंक्रोनाइज करके, सस्टेनेबल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्लांट को जितनी आवश्यकता हो केवल उतना ही पूर्ति करता है। एक्सेस को जाने नहीं देता, जिससे टॉक्सिसिटी बढ़ती नहीं है। और प्लांट और ह्यूमन बॉडी अगर पोटेशियम फुलवेट के बैलेंस में रहेगी तो रोग प्रतिकारक क्षमता बनी हुई रहती है और अननेसेसरी कुछ भी नहीं खाते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना खाते हैं। ये संक्षिप्त में दो लाइनों में था, बट जो मित्र हेडफोन लगा कर नहीं बैठे हैं, जो पेन कागज लेकर नहीं बैठे हैं, अभी वीडियो को रोकिए और पहले हेडफोन लगाइए। मेरा वीडियो अगर एक रुपये का भी आपकी फार्मिंग में बचत करता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले हेडफोन लगाओ, पेन कागज लेकर बैठो और देखो तरीके से। पानी की बोतल साथ में रखो, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेंगे, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा करेंगे। पोटेशियम फुलवेट पर हम बात करेंगे। हेलो, समझ में आ रहा है? हम बात करेंगे पोटेशियम फुलवेट पर। जिनको पोटेशियम फुलवेट चाहिए पूरे भारत में 9424538222, यह बोर्ड लाइन नंबर है 9424538222। यहाँ पर आप ऑर्डर करेंगे तो 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट 200 रुपये का आएगा। ये वर्ल्ड का सबसे सस्ता पोटेशियम फुलवेट आपको बी किसान ग्रुप के पास मिलेगा। और यह जो थ्योरी है, यह जो पीडीएफ है बी किसान ग्रुप की, आपको ऑफिशियल मिल जाएगी। 16 रुपये कोरियर चार्जेस है, इसका ध्यान रखना। 216 रुपये में 100 ग्राम मिलेगा। एक एकड़ 43,560 स्क्वायर फीट में मैक्सिमम 25 ग्राम काम करता है। हेलो, यह कोई रासायनिक घटक नहीं है, यह ऑर्गेनिक रेसिड्यू फ्री फार्मिंग का एक प्रोडक्ट है जो 100% इम्पोर्ट होता है और बी किसान ग्रुप उसका रीपैकिंग करके आप तक पहुंचाता है। ये पहले ही मैं बतला दूं ताकि इसकी सारी जानकारियां मैं जब देना चालू करूं उस समय आप केवल गाइडलाइंस लो और यह जो कमर्शियल बातें हैं आप अभी से समझ लो। इस तरह की पैकिंग में आता है पोटेशियम फुलवेट, बी किसान की ब्रांडिंग, फुलविक एसिड, और यह पूरा एड्रेस, बैच नंबर, रेट लिस्ट, सब कुछ। इस तरह का पाउच आएगा, 100 ग्राम 200 रुपये का आएगा। पूरे भारत में किसी भी कोने में आप बुलाएंगे तो आप तक पहुंचेगा। यहाँ तक समझ में आया कॉमर्शियल बातें, अब हम ज्ञान की बातें करते हैं। पहले ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसका कॉमर्शियल पहलू क्या है ताकि आप लंबे समय तक टिको और मेरे साथ बैठ कर रहो। मैंने आपको दो चीज़ें बतलाई, एक इसका कॉमर्शियल पहलू बतलाया कि आप तक पहुंचेगा कैसे, दूसरा यह मिलेगा कहां पर, 9424538222 BKPF, बी किसान पोटेशियम फुलवेट। अब आगे बढ़ते हैं, यह क्यों आवश्यक है फार्मरों के बीच में, बी किसान ग्रुप ने इसे यूनिक प्रोडक्ट बना करके क्यों रखा है। पूरे भारत में कई सारे प्रोडक्ट हैं जो फार्मिंग में आवश्यकता है, हर चीज़ को हम लेकर नहीं आ रहे हैं, केवल उसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं जो अति आवश्यक है आपके लिए, आपके खर्चों को आधा करेगी और उत्पादन को ज़्यादा करेगी। अभी फार्मर यहाँ पर चल रहा है, खर्चा भी उतना ही है, उत्पादन भी उतना ही है। थोड़ा सा अनबैलेंस होता है तो खर्चा बढ़ जाता है, उत्पादन कम हो जाता है। हम करने वाले किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा, यह जब प्रक्रिया होती है तो यह जो गैप बनती है, यह गैप आपके कर्जों से आपको मुक्ति दिलाएगी, यह गैप आपको
रिच बनाएगी। यह जो गैप है, किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा की जो गैप है, यह अति आवश्यक है हमें फार्मिंग करने में। पोटेशियम फुलवेट का मुख्य काम है कॉम्प्लेक्स बनाना, सभी तरह के फर्टिलाइज़र को इकट्ठा करना, कॉम्बिनेशन बनाना और प्लांट को सेंस करना कि आपको कौन कौन सा अपटेक करना है। फार्मर के पास जब प्लांट है ना, प्लांट उसकी जो भी रूट्स है, उस रूट पर फार्मर को इतना पता है कि मुझे फर्टिलाइज़र देना है। हेलो, मुझे सुन रहे हो? फार्मर को यह पता है कि मुझे फर्टिलाइज़र देना है, मुझे फर्टिलाइज़र देना है, मुझे फर्टिलाइज़र देना है, यह फर्टिलाइज़र देना है। किसी ने बोला DAP डाल दो, किसी ने बोला कैल्शियम डाल दो, किसी ने बोला जिसके पास 12:61:0 है वो डाल दो, किसी ने बोला 0:0:50 डाल दो, किसी ने बोला सोसाइटी से लेकर पोटेशियम क्लोराइड डाल दो 0:0:60। लाल बैग, पीले बैग, सफ़ेद बैग में आता है लाल या पीला जो आता है। किसी ने बोला 10:26:26 डाल दो, किसी ने बोला SSP डाल दो। मेरा जो फार्मर है ना, पूरे भारत का जो मेरा किसान है, उसको ज्ञान बांटने वाले बहुत सारे हैं और वो इतना भोला है कि सबकी सुनता है। पोटेशियम फुलवेट वहीं पर काम करता है कि आपने कुछ भी फर्टिगेशन किया, यह जो कुछ भी फर्टिगेशन है इसको बनाएगा कॉम्प्लेक्स, और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो प्लांट को इंसिस करेगा कि आपको क्या अपटेक करना है, ताकि उसकी यहाँ के पत्तों की कॉलर पर वह कंटेन ना बने पीला पीला। जो पत्ता रहता है ना, पत्ता, समझाता हूँ मैं, ये जो पत्ता है, ये जो लीफ्स है, इन लीफ में ये जो धारियाँ हैं, इन धारियों में यहाँ पर जो पीला पीला बनता है, यह जो एक लेयर बनती है पीली पीली, और केले के पत्ते में ये जो चरखा परखा बनता है, बीच में चट्टा बन जाता है, ऐसे करके चट्टा बन जाता है, कलर बीच बीच में पीला पीला येलोविश हो जाता है, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की एक पराकाष्ठा है। मतलब हम क्या कहेंगे कि प्लांट ने अनहेल्दी न्यूट्रिशन खा लिया, कुछ भी खा लिया, जो खाना था वो नहीं खाया। तो पोटेशियम फुलवेट इसको कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करता है और प्लांट को सही तरीके से न्यूट्रिशन चयन करने में मदद करता है और कॉम्प्लेक्स की पूर्ति करता है। समझ में आ रहा है पोटेशियम फुलवेट क्या करता है? इसकी मात्रा 43,560 स्क्वायर फीट एक एकड़ भूमि में 25 ग्राम मैक्सिमम है वन टाइम चलाने में। इससे ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। ड्रिप से दे सकते हैं, फर्टिलाइज़र के साथ दे सकते हैं, खाद जो हम दे रहे हैं उसके साथ दे रहे हैं, जो पानी दे रहे हैं उसके साथ कोग लगा करके हम चला सकते हैं, स्प्रे शेड्यूल में ले सकते हैं। 200 ग्राम कोठी का जो स्प्रे पंप है, अगर एक एकड़ में जा रहा है तो इसमें मात्र 25 ग्राम का उपयोग करना है, उससे ज़्यादा हो सकता नहीं है। जो पत्तों के द्वारा भी अंदर जाता है, जड़ों से अगर हम देंगे तो जड़ों से भी अंदर जाएगा। यह फील्ड में कैटेन आयन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। आपसे क्वेश्चन है, कितने मेरे फार्मर हैं जो खेत में कल्टीवेटर चलाते हैं, आड़े बाड़े, आजू बाजू, आए दाएं, ट्रैक्टर से, बैल से, बखर से, नींदनी बचाने के लिए, फसल तैयार करने से पहले पल्टी पलो करना, उसको रोटावेटर करना। हेलो, आप चलाते हैं ना? आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ, तो हम जब कल्टीवेशन करते हैं खेत में, तो यह जो मृदा की लेयर है, यह लेयर फूटती है, कटती है, 5 से 6 इंच फूटती है, कटती है, यह जो मिट्टी की लेयर है, समझ में आ रहा है? ये जब मिट्टी की लेयर कटती है तो यहाँ पर 1.5 फीट पर एक जीव जीवस्य जीवनम वाला इकोसिस्टम है, मिट्टी के ऊपर 1.5 फीट और नीचे 1.5 फीट। तो यह 1.5 फीट जब हम 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच कल्टीवेट करते हैं, तो यह बैक्टीरियल कॉलोनी डिस्टर्ब होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब यह डिस्टर्ब होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो कैटेन आयन कैपेसिटी बिगड़ जाती है, और जो भी न्यूट्रिशन पड़ा हुआ रहता है उसको प्लांट अपटेक करने में रुकता है। तो पोटेशियम फुलवेट जब जाता है फील्ड में पोटेशियम ह्यूमेट के साथ में,
तो यह एक अलग ही संरचना बनाता है और कैटेनाइन कैपेसिटी को इन्हेंस करता है। और यहाँ पर जितने भी फर्टिलाइजर के डॉट 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 पड़े हैं माइनस और प्लस, इनको पास में ला करके प्लांट को अपटेक कराने में मदद करता है। साथ साथ पोटेशियम फुलवेट अगर है तो यह अनबैलेंस न्यूट्रिशन को अपटेक नहीं करने देता, यह न्यूट्रिशन को बैलेंस में अपटेक करने देता है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। फसल कोई सी भी हो, एक्स वाई जी, एक एकड़ 25 ग्राम 28 दिन के अंतराल पर। कब? जब आपकी ईसी, इसको मैं क्लियर करूं, आप अभी आए हैं तो वीडियो रिवर्स करके देखिए या रुकिए, पॉज कीजिए, मैं इसको क्लियर करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं कहां तक पहुंच पा रहा हूं अब तक? हेलो, आप ही से बात कर रहा हूँ भाई, हेडफोन तो लगा लिया, पर मुझे उत्तर भी देना पड़ेगा ना, आप मैं जो पूछ रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ी ना चलेगा। यह काम करेगा आपके पीएच पर। पीएच हमारा 6.5 होना चाहिए, इसमें प्लांट फर्टिगेशन अपटेक करता है। पीएच की सारणी होती है 6.5, 7, 8, 8.5, 6, 5.5, 5। तो सेंटर पॉइंट जो है 6.5 है, यहाँ पर सभी तरह के न्यूट्रिशन अपटेक होते हैं। इधर होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इधर होते हैं मैक्रो, इधर होते हैं सब मैक्रो। एन पी के, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फर, आयरन, बोरान, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पीएच कम होता है तब अपटेक होते हैं। मध्यम और अपर न्यूट्रिशन पीएच 6.5 होता है तब अपटेक होते हैं। तो जब जब हम फास्फोरस डालते हैं तो पीएच होता है डाउन, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपटेक होते हैं। और जब जब हम पोटाश डालते हैं तो पीएच होता है अप, तब मैक्रो न्यूट्रिशन अपटेक होते हैं। लेकिन हमारी फील्ड का पीएच प्रेजेंटली हाइड्रोजन, मतलब सरल भाषा में नमक की मात्रा हमारे खेत में, कड़कपन की मात्रा हमारे खेत में कितनी ज़्यादा है। और जब हम पानी दे रहे हैं, हम फ्लड से पानी दें या ड्रिप ड्रिप से बूंद बूंद करके पानी दें, तो ये जो कीचड़ बन रहा है, कीचड़ बन रहा है, कीचड़ बन रहा है, इस कीचड़ का पीएच क्या है? हमारे खेत के पानी का और मिट्टी का मिलन जहाँ हो रहा है और जहाँ पौधे की जड़ें डेवलप्ड हो रही है, यह जो जड़ें डेवलप्ड हो रही है, इन जड़ों का पीएच क्या है, इन जड़ों की जो अवस्था है, उस कीचड़ का पीएच क्या है, उस समय अगर 5.5 है तो पौधा न्यूट्रिशन अपटेक करेगा। एक कंडीशन अप्लाई, जैसे आप बीमा करवाते हो ना, किसी ने इंश्योरेंस करवाया, नीचे ऐसे स्टार लगा हुआ रहता है छोटा सा लाल कलर का, कुछ ना कुछ पता नहीं चलता, पर उसमें बहुत बारीक बारीक लाइनों में लिखा रहता है कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई ये कि 6.5 पीएच होना चाहिए, फिर जो आपने न्यूट्रिशन डाला है वो न्यूट्रिशन में माइनस और प्लस, धन आयन ऋण आयन को मैच होना चाहिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चार्ज होनी चाहिए, उसके बाद में जो न्यूट्रिशन डाला है वो बैलेंस होना चाहिए। जैसे केले की मैं बात करूं तो केले में एन लगता है 300, पी लगता है 65 केजी, के लगता है 900 केजी और एमजी लगता है 45 केजी। यह है कॉम्बिनेशन, इसका चार्ट अगर बनाओगे ना तो एन पी के और एमजी ऐसा चार्ट बनेगा, ऐसा जिगजैग वाला चार्ट बनेगा। तो यह कॉम्बिनेशन है। अब हमने पता नहीं है कि क्या डाला, क्योंकि हमें तो जो, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ये समझ में आया, हमें वो क्या पता है, जो मेरे मित्र मेरे पास आए हैं एक पर्ची लेकर के, जो मेरे को फर्टिलाइजर की गाइडलाइन दे रहे हैं, उन्होंने जो मुझे गाइडलाइन दी है, उदाहरण में केले का बतला रहा हूँ, अलग कोई सा भी हो सकता है, 1000 पौधे पर, हेलो समझ में आ रहा है मेरा उदाहरण, 1000 प्लांट पर 2 केजी एन, 2 केजी पोटास, डेढ़ सौ ग्राम
12-61-0 ऐसे ही पर्ची आती ना। अब इसमें ये कॉम्बिनेशन कहीं मैच होता है, 500 ग्राम MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह की कुछ पर्ची आती है प्रति दिन, या 4 किलो करोगे तो तीसरे दिन, 6 किलो करोगे तो सप्ताह में 2 बार, ऐसा कुछ पर्ची आता है। ये पर्ची यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन मैच करती नहीं। जब मैच करती नहीं कॉम्बिनेशन, तो आपकी फील्ड में बैक्टीरियल कॉलोनी अच्छी होना चाहिए, आपकी फील्ड में आच्छादन होना चाहिए, आपकी फील्ड में कैटेनायन कैपेसिटी अच्छी होना चाहिए, आपकी फील्ड का पीएच 6.5 होना चाहिए, आपकी फील्ड में पानी जो जा रहा है उसका पीएच 6.5 होना चाहिए। तो ये सारे फर्टिगेशन कुछ भी अनबैलेंसिंग जाएंगे तो भी पोटा बैलेंसिंग ही उठाएगा पौधा। कोई भी मित्र हमारे खेत में पर्ची देकर जाता है फार्मर को, फार्मर उस पर्ची को फॉलो करता है और वो कुछ भी जतर कतर आए बाएं दाएं अंदाज पंचे दामोदर डालता है तो प्लांट उसको ही उठाता है, क्योंकि 6.5 pH किसी के खेत का नहीं है, क्योंकि 6.5 pH किसी के पानी का नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में हमने फर्टिलाइज़र दिया नहीं है, क्योंकि हम हर बार कल्टीवेशन आए बाएं दाएं दौड़ाते रहते हैं। तो अगर हम ऐसी खेती कर रहे हैं तो आपको 43,560 स्क्वायर फीट में 25 ग्राम BKPF बी किसान पोटेशियम फुलवेट हर 28 दिन में प्रयोग करना चाहिए, ताकि अनबैलेंसिंग फर्टिलाइज़र अपटेक ना हो, कॉम्बिनेशन अपटेक हो और पौधा कम से कम डालने पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन गेन करे, और जो फर्टिलाइज़र हम डाल रहे हैं वो ज़मीन में फिक्सेशन में ना जाए और ज़मीन का पीएच इन्हेंस ना हो, 6.5 से 7 ही रहे, 7.5-8-10 ना पहुँचे। और जिनकी क्षार वाली ज़मीन, जो रेतीली ज़मीन लीच होता है पीएच, उनका 6.5 से 5.5 या 5 ना हो, ताकि केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपटेक करे और टॉक्सिसिटी ना बढ़े। समझ में आया इतना कॉम्बिनेशन? हेलो, कि पोटेशियम फुलवेट आपकी फील्ड में क्यों ज़रूरी है। अब इसको खाद के साथ में अगर हम हर 28 दिन में कोई सी फसल पर 25 ग्राम दे रहे हैं, तो आपका फर्टिगेशन, आप शेड्यूल चार्ज देखोगे तो ऑटोमेटिक फर्टिलाइज़र का ग्राफ घटेगा या प्लांट ज़्यादा अपटेक करेगा तो हेल्दी रहेगा और कॉलर्स पर गड़बड़ी नहीं आएगी, केले में चरका फरका नहीं आएगा, प्याज अदरक नींबू जो गड़ी हुई फसलें हैं उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, XYZ चौतरफा रिजल्ट आएगा। और यह यूनिक चीज़ है पोटेशियम फुलवेट, जो आपको आपकी खेती में यूज़ करना चाहिए। जो भी मुझे मित्र सुन रहे हैं, नीचे लाल कलर का बटन है उसे प्यार से दबाइए, ताकि हम बिना रुके आप तक पहुँचें। इसका कोई चार्जेस नहीं लगता है, इसको बोलते सब्सक्रिप्शन। और जिन मित्रों को मेरी भाषा शैली, मेरे वीडियोस, प्रॉब्लम सॉल्विंग लगते हैं और किसानों तक पहुंचाना चाहिए, तो इसे अलग अलग ग्रुपों में शेयर कीजिए। मैं बलराम किसान हूँ, बड़वानी मध्य प्रदेश से, आप किसान पाठशाला के साथ बी किसान ग्रुप में हैं, और मैं इसी तरीके से अलग अलग श्रृंखलाएँ लाते रहूँगा। मैंने 11 नंबर अभी पोटेशियम फुलवेट बताया, नेक्स्ट मेरा एपिसोड है 12 नंबर वाला। मिलते हैं।